मैंने सोचा कि चलो आज बनाते हैं चिकन कोरमा। प्याज फ्राई करके रख लिया साइड में, चिकन कब का मैरिनेट हो गया था, तो अब चिकन को भी कढ़ाई में डाल लेंगे एकदम मस्त। ये देखिए चिकन भी डल गया पूरा कढ़ाई में। अब इसको जल्दी जल्दी चलाएंगे क्योंकि इसमें दही वही सब मैरिनेट करके रखा था ना, इसको चलाना बहुत ज़रूरी है। तो इसको एकदम मस्त मिलाते रहेंगे मिलाते रहेंगे। अब जब तक उधर चिकन पक रहा है, काम करते हैं अपने प्याज को एकदम मस्त मैश कर लेते हैं, पूरा एकदम तोड़ देते हैं एकदम बढ़िया से। आधा चिकन पका के हमें चिकन निकालना भी है कढ़ाई से बाहर, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो अब चिकन आधा पक चुका है और इसे हम निकाल लेते हैं कढ़ाई से बाहर। और ये देखिए चिकन रेडी हो गया निकल के। अब इसमें मस्त डालेंगे हम प्याज, जो प्याज हमने मैश किया था वो डाल के बढ़िया से कढ़ाई में एकदम मिलाते जाएंगे इसको अच्छे से। जब तक मसाला अच्छे से और भून के रेडी होता है, तब तक हम धनिया पत्ता काट के रेडी कर लेते हैं। अब धनिया पत्ता भी कट के रेडी हो चुका है और हमारा मसाला भी तैयार है। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा पका हुआ चिकन और उसको पूरा पकाएंगे। तो गाइज़ अब पकने के बाद कुछ चिकन इस प्रकार दिख रहा है, ये देखिए। अब इसमें हम धनिया पत्ता डाल के इसको कर लेंगे रेडी।